सीरियस लाइव टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन पर सलामती हूँ। मैं मकबूल सादिक होकर मसीही कौम प्रोग्राम का होस्ट, आज एक नए इश्यूज जो पाकिस्तान के अंदर नए चल रहे हैं, जैसा रहीम यार खान के अंदर इशू हुआ, उसके अलावा हाफसाबाद में हुआ, और एक और इश्यूज है वो सलीम भाई बताएंगे। तो सबसे पहले मैं सलीम इकबाल साहब आपको वेलकम करता हूँ जीएस लाइव टीवी के थैंक इस यू। प्रोग्राम के अंदर मसीही कौम की आवाज, और असलम सोत्रा साहब आपको भी वेलकम करता हूँ मसीही थैंक यू कौम जी, की थैंक आवाज में, और निक्सन डैनियल आपको भी वेलकम करता हूँ, थैंक और यू। तमाम गेस्टों से मेरी अपील है कि दरख्वास्त है कि आप जितना भी बोला जाए तो कम बोले हम लोग, तो जो मेन मेन बात है, मेन मेन टॉपिक है, उसी पे बात करें हम लोग, वो तो ज्यादा होगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ सलीम इकबाल साहब के पास। तो सलीम इकबाल साहब, अभी कोई नया इशू जो कोई आया अभी हाफसाबाद के अंदर, क्योंकि आप मीडिया से रिलेटेड हैं, तो फिर उसके बाद सोत्रा साहब को टाइम देंगे कि सोत्रा साहब पॉलिटिकल लीडर हैं, उसकी तर्जमानी करेंगे किस तरीके से करते हैं। तो हमारा काम है व्यूज के आवाज को उठाना, तो आप जरा बताएं कि अभी जो रहीम यार खां के अंदर हुआ या हाफसाबाद के अंदर हुआ, या अभी आप एक बता रहे थे न्यू इशू भी एक बच्ची का, तो उसके हवाले से क्या बताते हैं सलीम इकबाल भाई? जी थैंक यू सो मच जी। मैं समझता हूँ कि इट्स ग्रेट ऑनर फॉर मी आपका यहाँ पर आज मुझे बुलाना, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। सबसे पहले मैं रहीम यार खान के तलक से आपको अपडेट करना चाहूंगा कि वहां पर पादरी हारून साहब पर अटैक किया चर्च की जमीन हथियाने के लिए, और उनकी बीवी को जख्मी किया गया, पास्टर साहब को जख्मी किया गया, उनके बेटे को, दो मुलजमान गिरफ्तार हुए और दो मुलजमान अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके, और मुलजमान जो है संगीन नतज की धमकियां भी दे रहे हैं, सुलह के लिए भी प्रेशर डाला जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है इसको छोड़ दो, इसको निकाल लो। तो ये सिचुएशन है, लेकिन खुदा बेहतर करेगा। बहुत सारे लोग जो है पादरी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जब पूरी कौम उनके साथ जुड़ जाएगी तो इंसाफ लेने के लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो आप हाफजाबाद का कह रहे हैं, ये हाफजाबाद रोड गुजरनावाला में ये हादसा पेश आया कि पुलिस अफसर ने जो है अपने एक सेंट्री वर्कर को जो है लापरवाही का मुजाहरा करते हुए रोन डाला, और अनफॉर्चुनेटली वो खालके हकीकी से जा मिला, और गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख रुपया कुछ राशन वगैरह जो भेजा गया, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इस फैमिली को कंपनसेट करना चाहिए था नहीं किया गया। और तीसरा जो इंतहाई दिल खराश और जिस वाक्य ने आज मुझे बहुत ज्यादा अफसरदा कर दिया, अभी 2 घंटे पहले मैं एक खबर जो है वो ब्रेक करके आया हूँ, कान्हा के नवाही गांव में एक 12 साल मसीही बच्चा जो है जिसका नाम सूरज मसीह है, उसको मोहम्मद जैन ने अपनी जिंसी दरिंदगी और हवस का निशाना बनाया। और अभी बीच में उसी फैमिली की कॉल भी मुझे आ रही है, तो रात को उन्होंने थाना कान्हा में एप्लीकेशन तो दे दी है, लेकिन अभी तक एफआईआर जो दर्ज नहीं हुई, मुलजम के घर पर रेड भी मारा है पुलिस ने, लेकिन मुलजम जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सका। और जब मैंने खबर ब्रेक की तो उसके थोड़ी देर बाद वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी एमएनए शनीला रूसैबा की कॉल आ गई कि मैं इस पर बड़ा सख्त एक्शन लूंगी और मुलजम जो है किसी भी तरह बच नहीं पाएंगे। तो ये सर सूरत हाल है सारी जो मैंने आपसे बयान की है। थैंक यू इकबाल भाई, और इसके साथ साथ हमारे सोत्रा साहब हैं मसीहा मिलत पार्टी के फाउंडर एंड चेयरमैन, पॉलिटिकल लीडर हैं, 40-50 साल की इनकी सियासत है, और सोत्रा साहब आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया जीसस लाइव टीवी का और मकबूल भाई आपकी मोहब्बत का मैं बेहद मशकूर हूँ कि आपने आज के दिन मुझे याद किया ताकि मैं भी उस पर कोई बात करूं। एक्चुअली ये जो रहीम यार खान का मामला है, जब मसीहा मिल्लत पार्टी को इसकी अतला मिली, मुझे इंग्लैंड से मेरे बड़े भाई ने अतला दी, और जब मुझे बताया गया और फिर मैंने उस पर जो है बड़ी मुश्किल से उस पास्टर साहब का नंबर तलाश किया, नंबर तलाश करके सियासी लोगों में से पहला मैं कारकुन था जिसने
उससे रابता किया, उसकी खैर खरीत सब कुछ उससे मालूम की, appreciate. और फिर उसके बाद मैंने उसी वक्त SHO, मैंने उस वक्त, मैं टाइम बता दूं कि उस वक्त मैं 1:30 बजे DIG को फोन कर रहा था रात को, मैं 1:30 बजे रात DPO मेहंदी साहब को फोन कर रहा था, मैंने जो जवेद जतोई जो है वो 1:30 बजे मैं उन्हें रابطے में था, और जो ही दिन चढ़ा तो मैंने यानी सुबह 6 बजे मैं जागा हूं, 3 बजे लास्ट मेरी बात हुई है पादरी साहब से, सारी रात जागा हूं पादरी साहब के साथ, और फिर सुबह 6 बजे उठा हूं, उठ के मैं तैयार होके दुआ करके रेडी हो गया था, पुलिस को फोन कर रहा था, पासवर्ड साहब से मेरी बात हुई, फिर मैंने अगला पड़ाव लड़ने के लिए कोशिश की, फिर मेरी जब लास्ट टाइम जतोई साहब से बात हुई इस मामले में तो उन्होंने कहा जी 1 मिनट लगाए, अभी भेजे इसको मुदई को, मैं हम FIR भी देंगे, मुल्जम की गिरफ्तार करेंगे, कोई उस वक्त जो है नहीं था ना कुछ सियासी कारकुन ना कुछ गवर्नमेंट, जवेद जतोई साहब को हल्फन पूछा जा सकता है कि उस वक्त किसी ने उससे ना किसी ऑपोजिशन वाले ने ना किसी सरकार वाले ने किसी ने कोई रास्ता नहीं किया। और सोत्रा साहब बिल्कुल बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है सारी बातें सही है, मेन मुद्दे पे अपन आए तो उसका अभी तक बना क्या है? जी उसकी FIR दर्ज करवाई है, मसीहा मिल्लत पार्टी ने दर्ज करवाई है, लेकिन सोत्रा साहब लेकिन ये मिनिस्टर साहब ये सब कुछ अपने खाते में डाल रहे हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं शनीला, मेरे कौन से मिनिस्टर डाल रहे हैं अपने खाते में, मेरा मिनिस्टर आजाद आलम साहब जी, इंसानी हकूक मिनिस्टर, वो कह रहे सब कुछ बने हुआ है, वो तो मिस्टर आजाद आलम, मिस्टर आजाद आलम साहब वो तो ऐसे मिनिस्टर हैं कि वो यही चाहते हैं कि कोई भी आम गिरे पेड़ से तो डायरेक्ट मेरी झोली में गिरे, वो बने खट्टा हो या मीठा हो या कड़वा हो या काना हो। देखें जी मैं कहता हूँ पता क्या है ब्रदर, जो लोग एफर्ट करते हैं उन लोगों को ये चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, सोत्रा साहब जैसे कह रहे हैं कि मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की, ये वर्कर बन रहे हैं, तो फिर ये अगर मिनिस्टर साहब अपने साथ साथ ही इनका भी नाम ले लें तो मेरा ख्याल है कि ये भी बड़ी अच्छी बात होगी। नहीं मैं एक बात और गुजारिश करना चाहता हूँ, मुझे मिनिस्टर साहब से या शनीला बहन से कोई गिला नहीं, मुझे गिला है उस आदमी से जिसकी यानी अगर दूल्हा जो है वो ये तस्दीक ना करे कि मेरा निकाह किसने पढ़ाया है तो आप बरातियों को क्यों अपना दोस्त दें, बराती तो हर कोई कहेगा जी मैं अच्छे कपड़े पहन के आया हूं, मैं मेरी वजह से ये बरात जो है सजी बजी है, ये बात नहीं है। असल में मैंने मुझे फोन किया पादरी साहब ने शुक्रिया अदा करने के लिए, मैंने कहा शुक्रिया ना अदा करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे अफसोस है कि जो काम सियासी कारकुन करते हैं धोखाबाजी दो नंबरी बातें, वो यानी अगर कोई खादम शुरू कर दे तो ये कितनी बुरी बुरी बात है। मैंने उन्हें कहा कि मैंने ना मुकदमा पादरी हरून के लिए लड़ा ना उनके हेड के लिए लड़ा, मैंने ये सोचा कि हमने अपनी कौम के लिए ये आवाज बुलंद करनी है कि पादरी हरून का इशू नहीं, वो मसीही कौम का इशू है, मसीही कौम का इशू था। और मैं अप्रिशिएट करता हूं मकबूल खोकर साहब को कि इन्होंने भी SP साहब से बात की, ये बकायदा ये भी चौधरी लतीफ साहब प्रेशर क्रिएट करते रहे हैं, मैं कहता हूं कि मेरे आदमी और चौधरी लतीफ साहब के लोग जो थे वो सारे हमारे इकट्ठे मसीहा मिल्लत पार्टी है। अगर वो कहेगा कि मेरी बात सुने, अब मामला ये है कि FIR होगी, आपने बड़ी स्ट्रगल की एफर्ट की, चले धुला भी मुकर गया, लेकिन जो बाकी लोग थे अगर वो भी आपको याद रखते तो अच्छा था, लेकिन अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि वो FIR हो गई, दो मुल्जम है वो गिरफ्तार किए, बाकी नहीं गिरफ्तार हो रहे, और वो जिस जगह का तनाज है मारा भी पादरी साहब को, बेहरमती भी की गई उनकी वाइफ की, लेकिन कब्जा अभी तक मुल्जमों का है,
अब FIR करवा के बैठ जाना तो कोई काम नहीं है मेरा ख्याल। नहीं जी, मैं समझता हूँ कि अब हुकूमती याद करवाते रहने चाहिए। मैं कहता हूँ जी, सुने मेरी बात, वसीआ मिल्लत पार्टी ने FIR दर्ज करवाई। मैं खुदामंद के जलाल के लिए ये कहता हूँ कि FIR जो है वसीआ मिल्लत पार्टी ने दर्ज कराई, उसमें चौधरी लतीफ ने हमारा साथ दिया, मकबूल साहब ने हमारा साथ दिया, वहां रहीम यार खान के पास्टर परनाबास ने हमारा साथ दिया, वहां जो है मिस्री जीमन उसने हमारा साथ दिया। इनको क्या पता मैं कल पैदा हुआ हूं। 1986 में मैंने जो जो रियासती पट्टी है उसमें धूप धू जो है वो जंग लड़ी है मजदूरों की, मैंने वहां हारियों की जंग लड़ी है, मैंने जगीरदारों को वहां 86-85 में नकेल डाली है। मेरे कारकुन मेरे साथी जो है वो वहां पर मुझसे ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल ठीक है, हम पॉइंट पे हैं तो ज्यादा बेहतर है, पॉइंट पे हैं तो ज्यादा बेहतर है। FIR होगी, आपको क्रेडिट देते हैं, आपको मैं हमेशा आपको आपको पता कि मोहब्बत करता हूँ, आपको रिश्ता मिलता हूँ, लेकिन आप कब्जा किसने चढ़वाना सोत्रा साहब? उनके बाद याद बताता हूँ कि मैंने SP को भी फोन किया, दूसरे लोगों से भी फोन किया, पर मैंने आपने फर्स्ट आदमी हो के मैं आपने बताया कि मैं जो भी काम करता हूं मसीही कौम के लिए उसकी मेरी कोशिश होती है कि उसको वायरल नहीं करूं, बैक स्पोर्ट में रहता हूं और काम करते हैं, और आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने जितनी भी मेहनत की उसके लिए, ये बहुत है कि आज के दौर में कोई भी नहीं करता, आपने बहुत मेहनत की, आपको अप्रिशिएट करते हैं और सलीम साहब को भी अप्रिशिएट करते हैं। बगैर वसाइल के आपने वहां घर पे बैठ के फोन पे बात की, तमाम लोगों को इकट्ठा किया, FIR कटवाई, आपकी जद्दोजहद को सलाम करते हैं। और थोड़ा सा निक्सन भाई की तरफ चलते हैं कराची में, और निक्सन भाई आप बताएं इसके बारे में कुछ। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं मकबूल भाई आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, और जितने यहाँ पे मौजूद है सलीम भाई और असलम भाई, ये दोनों बहुत मेहनत करते हैं अपनी मसीह कौम के लिए और इनमें जज्बा भी है अपनी मसीह कौम के लिए, तो मैं इन दोनों को भी जो है इन दोनों का भी शुक्रगुजार तहे दिल से। और मैं इन तीनों वाक्य की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। पहले नंबर पे तो जो वाक्य पास्टर साहब लाहौर में रहीम यार खान में आया, तो वो भी एक बहुत दरिंदगी का वाक्य था कि पास्टर साहब को जख्मी कर देना, उसकी फैमिली को इसके साथ साथ। और दूसरा जो वाक्या आया पेश आया उधर हाफसाबाद में, तो वो तो अगर कानून के लोग कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो पहली बात तो ये पाकिस्तान का कानून जो है वो गरीब आदमी के लिए है, और पुलिस के लिए तो बिल्कुल भी कानून जो है ही नहीं। तो ये है कि गवर्नमेंट का अभी मैंने पोस्ट फेसबुक पर देखी, हो सकता है आपको नजर आए, इसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर लगी है और इसके ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तान में अगर किसी ने भी गैर मुस्लिम शहरियों पर हाथ उठाने की कोशिश की या किसी इबादतगाह की जानिब बुरी नजर से देखा तो नहायत सख्ती से पेश आएंगे। तो ये तीन वाक्या हुए हैं, तो अभी देखते हैं कि ये क्या सख्ती पेश करते हैं या खाली फेसबुक पर तस्वीरें लगाने से क्या होगा। निक्सन भाई, पाकिस्तान की तारीख है, पाकिस्तान की तारीख गवाह है, सन 1947 से लेके अभी तक जो क्रिश्चियंस के जो अकलियत के हालात थे पहले से मजीद बढ़ते जा रहे हैं और कम नहीं हो रहा है, और इंसाफ तो कहीं से मिल नहीं रहा सही तरीके से। अगर जहां से इंसाफ की उम्मीद होती है तो जैसे वो बोलते हैं कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, अपने ही बीच में कटोरे लेके खड़े हो जाते हैं कि हम पैसे बीच में खा के तो मुकमका करवा देते हैं। जी, और साथ साथ यही जो जैसे चौधरी शहजाद का एक डायलॉग है मिट्टी पाओ, नहीं ये इस पर तो मिट्टी पड़ चुकी है। ये जो रहीम यार खान का केस है, मैं आंधी रिकॉर्ड ये कहता हूं कि वो हल हो चुका था, उसे वापस ले जाया गया है यानी मंडा डालने के लिए सर। ये डैनियल भाई ने वो ट्वीट जो इमरान खान साहब का था वो पढ़ा,
लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट है ना, ये इंटरेस्टेड है मसीहियों के मसाइल को हल करने के लिए, मसीहियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे सियासी नुमाइंदे हैं वो एहसास कमतरी का शिकार है, वो आगे तक हमारे मसाइल लेकर ही नहीं जाते, हमारे मसाइल पे वो बात ही नहीं करते, तो उसका हल कैसे निकलेगा? और ये सलीम भाई, आपकी आपकी बात को मैं जो है ना काट नहीं रहा, आपकी बात को बढ़ा रहा हूँ। ये मुझे तो लगते हैं कि आज हो सकता है कि मेरा मैसेज उन तक, मैं तो चाह रहा हूँ कि ये वीडियो ये सारे देखें, ये जितने भी अभी बैठे हुए साइको हैं जी, नफ्सियाती मरीज है, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। ये नफ्सियाती है, ये अपनी कौम के लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको छोटा सा वाक्य बताता हूँ। उकाड़ा का, उकाड़ा का एक बड़ा मेहनती वर्कर है पीटीआई का, यूसुफ मट्टू, उसका बैतल माल में मेंबर बैतल माल कमेटी नोटिफिकेशन हुआ और मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स ने उसका नोटिफिकेशन कैंसिल करके अपने किसी अजीज का नाम डलवा दिया। एक वर्कर बंदे का नोटिफिकेशन कैंसिल करवाना, और मैं समझता हूँ कितनी ये चीप हरकत है कि एक वर्कर को आप बजाय इसकी हौसला अफजाई करें और आप उसके आगे कांटे बीज रहे हैं और इस किस्म की हरकतें करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ मुकाफात अमल है, अगर आज आप मिनिस्टर हैं तो कल आपने एक आम शहरी भी होना है, तो इसलिए लोगों को इस तरह ट्रीट करें कि कल आपको भुगतना पड़ना ये सब कुछ। ये सिलेक्टेड लोग है, सिलेक्टेड लोग क्या करेंगे कौम के लिए? मैं सर कहता हूँ कि जमहूरियत में नामजदगी हरामजदगी के मुतरादिफ है। सही बात है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। जी सदा साहब। जी जी, मैं तो चूंकि उम्र के लिहाज से ऐसी बात नहीं कहता, ये नौजवान है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि खवातीन और अकलियत की सारी सीटें गैर आइनी है, क्योंकि आयन में लिखा हुआ है कि खुफिया राय शुमारी के अलावा कोई बंदा अलेक्ट नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, सोत्रा साहब और सलीम साहब और निक्सन भाई, मैं आपसे एक बात आज मैं शेयर करने लगा हूं, और अभी इस वक्त तमाम दुनिया के लोग मुझे हमें देख रहे हैं, तो आप मुझे तीनों इस बात का कि एक स्पेशल का मतलब क्या होता है? खसूसी, खास खास खास, उसका मतलब क्या होता है स्पेशल? मेरे ख्याल के अंदर जो इसका मतलब है, स्पेशल जी, स्पेशल कोटा इनको दिया गया। स्पेशल कोटा तो मजदूर कोटे होते हैं जी, तो इनको इनको मजदूर कोटे के अंदर एमपी की सीट मिल दिया। हाँ जी, अब देखिए एमएलए की सीट मिलती है, दिल पर मार रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, लंगड़ी लूली सीटें, लंगड़े लूले लोग, लंगड़ी लूली सीटें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मतलब पहले बैसाखियों पे है, फिर इन्होंने काम क्या करना? सलीम भाई, मैंने अपनी बात को कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं ना तो के खिलाफ हूँ, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जब आसिया का केस हुआ तो पीटीआई की तरफ से बहुत अच्छा फैसला आया, उन्होंने बहुत अच्छा मसीह कौम के लिए एक पैगाम भी दिया कि हुकूमत किसी अकलियत के खिलाफ नहीं। लेकिन मैंने एक पोस्ट पढ़ के बताई है कि गवर्नमेंट तो इस वक्त पीटीआई की है, तो वो इस पे क्या रिस्पॉन्स देते हैं? जैसा कि अभी ये पुलिस वाला अदारा जो है, ये तो गवर्नमेंट का अदारा ना, तो अब वो उनको किस तरह से टारगेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज को? ब्रदर, बात ये है कि हमारे नुमाइंदगान ने बात करनी है। अब हम तो जो रसाई इनकी एससीएम तक या पीएम तक, वो हमारी तो नहीं है, इन्होंने बात पहुंचानी है कि ये एक बच्चा है 7 साल का, उसके साथ गिनती ज्यादा हो गई है। तो जनाब, आपको छोटा सा ट्वीट और कुछ छोटा सा एक्शन या कोई कंपनसेशन फैमिली के लिए, ये बात ही नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा सलीम भाई, मैं एक और भी जो थोड़ा सा इससे हटके भी एक छोटी सी मैं पूछना चाहूंगा, और उसके साथ सोत्रा साहब भी ने, कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं वफाकी और जितने भी हमारे मजहबी रहनुमा वफाकी लेवल पे, और जितने भी हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं वफाकी लेवल पे,
उनको अंदरूना सिंध नजर नहीं आता। अंदरूना सिंध जब उनको नजर आता है तो आंखों के ऊपर पट्टी बांध लेते हैं। ये कोरोना जब से चला है तब से अंदरून सिंध के अंदर, कराची के अलावा सखर तक अंदरून सिंध के अंदर इनको पता नहीं आगे को कांटे लगे हुए हैं या कोई आगे पहाड़ी है जिसके ऊपर चढ़ के आना पड़ेगा इनको। जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सरकार की बात नहीं करते ना अपोजिशन की, लेकिन बतौर एक जमहूरी जमात मैंने जो भी हिस्सा था वो जामशोरो हरी कैंप और वो लैम्स कॉलोनी इन सब में जो जितना हो सका, और आगे भी मैंने वादा किया है कि सिया मिल्लत पार्टी के पास जो राशन अब आ रहा है जो हम इकट्ठा कर रहे हैं अपने सारे साथियों के साथ मिलकर, अब हमारा टारगेट ये जो है रियासती पट्टी और आगे सिंध जो है वो बैकवर्ड एरिया यही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इमरान की बात कर रहे हैं। सोत्रा साहब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं वफाकी एक वो आजकल पहले कभी दाढ़ी रख लेता है, कभी वो क्लीन शेप हो जाता है, कभी मूछे रख लेता है, हमारे मोहतरम जनाब सेनेटर साहब कामरान माइकल साहब, मैं उनसे भी मुखातिब हूँ कि उनको कराची के अंदर एक उन्होंने अपना रखा हुआ बंदा उसी को भेजते हैं, वो कराची के अंदर कभी किसी फैमिली पे चला जाता है वहां पे वीडियो बना के वायरल कर देता है। क्या कामरान माइकल साहब को सिंध नजर नहीं आ रहा कि वो लाहौर के लीडर है? ब्रदर मेरा ख्याल है कि उनके पास इतने फंड्स नहीं है, अपोजिशन में है, लेकिन नहीं, नहीं, दूसरी जो बात नहीं, 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 है कि कामरा माइकल के पास फंडिंग बहुत है, बहुत पैसा है। अगर वो 50 लोगों के लिए अंदरूने सिंध में भी भेज देगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। और वफाकी हमारे जितने पंजाब में तो उन्होंने पंजाब में तो बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, हम मैं समझता हूँ कि जो लोग करते हैं जितना उन्होंने काम किया है, मैं उनकी मुखालफत नहीं करता, जितना उन्होंने काम किया है जितना वो कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ मैं, और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि उस वक्त वो बाहर निकल के आए हैं, बाहर निकले हैं जब कौम को उनकी जरूरत थी और उस वक्त निकले हैं, उनको सलाम करते हैं हम लोग। पर जी जिन एरियो में जरूरत मजीद थी वहां पे भी आना चाहिए। ब्रदर बात यह है कि हुकूमतें पूरा नहीं उतर पा रही इन हालात में, तो मैं समझता हूँ कि चले जो कुछ भी जहाँ पे कोई कार्य जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर उनके वसाइल हैं, उनके पास पैसा है तो उनको ऐसे इलाकों को भी फोकस करना चाहिए। लेकिन अब देखिए ये सिंध गवर्नमेंट जो है वो पूरा नहीं उतर पा रही, तो एक सेनेटर अकेला क्या करेगा? सेनेटर वो वफाक की नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कानून के मिनोरिटी विंग के सरबरा हैं, पर जब सरबरा होता है बाप होता है तो उसके चार बच्चे हैं, तो उसको चारों बच्चों को देखना है, चार सूबे हैं तो चारों को देखना है। ओपिनियन फर्क हो सकती है। हाँ तो वो वफाक की नुमाइंदगी करता है, मैंने इसलिए बोला जैसे हमारी वो MNA है शनीला रूत, वो खोकर साहब कहीं नजर भी नहीं है, वो तो कहीं नजर ही नहीं आती। नहीं नहीं आप, वो मेरी बहन नजर आती है, आप ऐसा ना करें, मैं उनका नुमाइंदा बैठा हूँ। एक वो ही तो नजर आती है। कहाँ पे? क़लीम इकबाल साहब सारे अभी दो तीन केसेस में वो बड़ी एक्टिव रही, अभी रिसेंटली की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो जब देखती हैं केस कहेंगे प्रोसिक्यूशन कहीं पे कोई मामला, वो डेफिनेटली वो एफर्ट करती हैं, फोन करती है DPO DCO को, जो किसी की क्रेडिबिलिटी है उसको जरूर तस्लीम करना चाहिए। अच्छा मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि बात ऑपोजिशन और सरकार की है। अब जो सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे हैं आप समझ लें कि अभी 2 साल हुए हैं उनके पास कुछ नहीं है, इन्होंने 10 साल, मैं अपने अखिलियती नुमाइंदों की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरहाल बात करता हूं कि जिन्होंने 10 साल सरकार में गुजारे हैं, 5 साल एक के साथ, 5 साल एक के साथ, अगर कोई ढेला आना है ना वो उनके पास है तो वही खर्च करेंगे ना। अच्छा अच्छा सोत्रा साहब मैं आपकी बात को, प्रोग्राम का टाइम जो है वो ज्यादा होता जा रहा है, अभी मैं 2-2 मिनट जो है ना
वो सबके पास है, आखिरी आखिरी आपने कौम को मैसेज देना मौजूदा वक्त के हालात से कि मौजूदा वक्त के अंदर हमारे पॉलिटिकल लीडरों को और हमारे एनजीओज के एक्टिविस्ट को और हमारे चर्च लीडरान को मौजूदा हालात में क्या करना चाहिए, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने बताना। जितना भी जो भी कर रहे हैं तमाम एक्टिविस्ट, जितना भी काम कर रहे हैं पॉलिटिकल लीडर, जितना भी काम कर रहे हैं मौजूदा वक्त के अंदर, मकबूल खोखर उनको सलाम पेश करता है। ये नहीं है कि हम लोग उन्हें उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, पर जहां पे नहीं पहुंचेंगे हमारा काम है आवाज उठाना। अच्छा सोत्रा साहब, आपके पास 2 मिनट का वक्त है कि 2 मिनट के अंदर आप बयान करें। जी मैं रहीम यार साहब पे बात करना चाहता हूं कि वो इंतहाई अहम इशू है, और अगर पादरी साहब का या चर्च का राइट बनता है तो वो जमीन खाली होनी चाहिए, मुल्जमान को चलान होना चाहिए, और अगर कोई शख्स उसमें मिट्टी डालो कट्टा डालो वाली बात करे तो कौम के सामने इससे बड़ी ज्यादती और कुछ ना होगी। या मिलत पार्टी मुल्जम चलान कराना चाहती है, कब्जा लेना चाहती है, और फिर रियासती पट्टी पे हम अपने मुसलमान भाइयों को साथ मिलकर उस चर्च बिल्डिंग की जो है वो न्यू रखना चाहते हैं और रखेंगे खुदा के फजल से। आमीन, थैंक यू जनाब। और अभी अभी मैं निक्सन डैनियल साहब के पास जाता हूं। निक्सन एक सेकंड और दे दें। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो हाफजाबाद गुजरांवाला का वाकया पेश आया, हाफजाबाद रोड गुजरांवाला, जी गुजरांवाला, ये मैं समझता हूं कि इंतहाई ज्यादती हुई है, उसने वो टक्कर मार दी। लेकिन अब जो गवर्नमेंट के जुम्मे था, ये एक हादसा हुआ है, हमें इसे यानी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये क्रिश्चियनों के साथ ज्यादती हुई है। अगर हम कौम की बात करते हैं, बात करते हैं तो बिल्कुल हमें हकीकत बयान कर। लेकिन अब हुकूमत की जिम्मेदारी क्या है? मसीहा मिल्लत पार्टी ने पहले ही दिन कहा था कि अब ये बंदा चलने फिरने के काबिल नहीं रहा, इसकी बीवी को इसकी जगह नौकरी दो, और फिर 20 लाख रुपया अवार्ड करे गवर्नमेंट, इंसानी हकूक मिनिस्ट्री जो है वो 20 लाख रुपया उस खानदान को दे। लाख रुपया देना उनकी तोहीन है, ज्यादती है। ये बिल्कुल आपने सोत्रा साहब सही कहा। सोत्रा साहब अभी इजाजत दें, अभी निक्सन भाई आपको पास 1 मिनट है। अच्छा, ये पहले नंबर पे तो मैं इन दोनों की एफर्ट जो इन्होंने की इन दोनों तीनों वाकयात के लिए मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, और जो पहले भी इन्होंने की उनके लिए भी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो चलो हादसा हो गया, कोई बात नहीं, चलो बाकी जो है उन पे गवर्नमेंट अगर एक्शन लेती है तो ठीक है, क्योंकि हमारा चारों का काम है आवाज उठाना। अगर नहीं एक्शन होगा तो हम दोबारा से प्रोग्राम करेंगे और हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि हमारी जो आवाज को सुने और मसीह कौम के साथ होने वाली ज्यादतियां जो है उनको बंद किए जाए। शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू निक्सन। अभी सलीम इकबाल भाई आपके पास टाइम है, आप जो है ना मसीह कौम को मौजूदा हालात पे और ये एज ए आप सहाफी क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये तीनों वाकयात पे गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए? थैंक यू सो मच सर। तीनों वाकयात पे नहीं बल्कि जो मौजूदा सूरत हाल जिस सिनेरियो से हम गुजर रहे हैं उन सब पे मैं बात करना चाहूंगा कि ये वाकया जो इंतहाई अफसोसनाक है, इनकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, और जहां पे भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं अपनी कौम के साथ इन लोगों के साथ खड़ा हूँ। और दूसरा ये कि ये कोरोना का जो मौजूदा सूरत हाल जिसे हम गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है डेली वेजेस लोगों को जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, और हमें चाहिए कि हम अपने साथ जुड़े हुए इर्द गिर्द जो हमारे लोग हैं हम उनका ख्याल रखें। जब हम अपने साथ जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखेंगे हर बंदा ये सोच रखेगा तो मेरा ख्याल सारे मामला जो है वो हल हो जाएंगे। दूसरा ये कुछ टीवी चैनल्स जो है इसी पैसा के जरिए पैसे भेज रहे हैं और राशन भेज रहे हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है, और चंद जो ब्लैकमेलर टाइप और नेगेटिविटी फैलाने वाले जो लोग हैं स्पेशली वही इस चीज का
निशाना बना रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमें ये रवैये जो है ना तर्क करना होंगे। हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, खूबसूरत होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, लेकिन हम गरीब अमीर लोगों से, खूबसूरत लोगों से, तरक्की याफ्ता लोगों से जेलस करते हैं और उनको हम तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो फिर किस तरह मुमकिन है? अगर हम दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जरूरत इस बात की है कि जो लोग हमसे बेहतर हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, हम सबको एक्सेप्ट करें, उनको अप्रिशिएट करें और फिर हम आगे जो है कामयाब हो सकते हैं। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि सॉरी जी डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग काम करते हैं उनको हम अप्रिशिएट करें, इनकर्ज करें, तनकीद ना करें। और ये रवैये हमें तर्क करना पड़ेंगे कि असी नहीं मनना, तुसी जो मर्जी कर लो, असी मनना ही नहीं। जब तक हम ये रवैये नहीं छोड़ेंगे हम नहीं तरक्की कर सकेंगे। सब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, चर्चेज, टीवी चैनल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे जी टीवी चैनल्स जो नंबर मांग रहा है उनको रॉन्ग कॉल्स आ रही हैं, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए लोगों को मैसेज देना चाहूंगा, जिन लोगों को रॉन्ग कॉल्स आ रही हैं, को तंग कर रहा है, वो नंबर मुझे सेंड करें, मैं पर्चे करवाऊंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन खुदा रहा जो लोग पैसे भेज रहे हैं आप उनको तनकीद का निशाना ना बनाएं। और अगर हम ये समझते हैं कि हमारी माओ बहन बेटियों के नंबर नहीं जाने चाहिए, हमारे अंदर इतनी गैरत है, तो फिर हम क्यों उन बच्चियों के नंबर भेजते हैं? हमें फिर अपनी गैरत का मजारा करना चाहिए। हम जो है अपने घर में से किसी और का नंबर भेज दें, हमारी भी तो गलती है ना, क्यों हम लड़कियों के नंबर वहां पे भेजते हैं? सही बात। और मैं ये कहूंगा आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजें, अगर मैं एक एक बंदे पे पर्चा ना कराऊं तो मैं अपने आप को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहलाने के काबिल नहीं हूंगा। आप मुझे बिल्कुल ऑन ना कीजिएगा, लेकिन आप मनफी बातें फैलाकर जो है उनको डिस्करेज ना करें। और मैं समझता हूँ कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें हम तनकीद ना करें बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े हों। हम अंधेरे को नहीं कोसें बल्कि अपने हिस्से का दिया जला दें। हम लोगों पे तनकीद करते हैं, फलां ये नहीं कर रहा, फलां वो नहीं कर रहा, तनकीद बराए इस्लाह नहीं हम करते, तनकीद इस्लाह बराए तनकीद हम करते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम तनकीद बराए इस्लाह करें। और सिर्फ एक मिनट लूंगा, बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरी ये जिम्मेदारी है कि जहां पर कोई गैर जिम्मेदारी का मजारा कर रहा है, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहा है या अपने इख्तियारात का नजायज इस्तेमाल कर रहा है, तो मेरा किसी ने बाप नहीं मारा, मैं तनकीद करता रहूंगा, उनके वादे याद दिलाता रहूंगा। इसको ब्लैकमेलिंग कह लें, इसको जाली सहाफी कह लें, इसको लफाफा सहाफी कह लें, लेकिन हक और सच की आवाज हम सब मिलकर उठाते रहेंगे। और कोरोना में हम सब जो है एक दूसरे का साथ दें, चर्चेज का, इदारों का, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का, जो जितना काम कर रहे हैं। कहने को बहुत कुछ है, प्रोग्राम के वक्त की मजबूरी है। तो मैं जनाब आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा टॉपिक था, आपने बड़ी अच्छी बातें की। अब आप बात करें। सलीम भाई आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपकी जो जदोजहद है मसीही कौम के लिए, उसके लिए मकबूल खोकर आपको सलाम करता है और सोत्रा साहब आपको भी मकबूल खोकर सलाम करता है आपकी जदोजहद को, कि आपने भी बड़ी जदोजहद कर रहे हैं अपनी जितनी आपकी कैपेसिटी है। और इसके साथ साथ ही आपको मैं बताता चलूं सलीम साहब के सबसे पहले मैंने ही आवाज उठाई थी कि आप अपनी बच्चियों के नंबर नहीं आप किसी भी चैनल के पे नहीं भेजे, इसलिए कि वो मिसयूज नहीं हो। और मुझे फिर मैंने फिर लगाया था, फिर पास्टर शौकत फजल ने मुझे फोन किया, फोन करके भी उन्होंने कहा, तो मैंने उनको कहा कि आप अनाउंस करो अपने चैनल के थ्रू कि आप लोग बच्चियों के नंबर नहीं भेजें, भाई का भेज दें, वालिद का भेज दें, तो उनके जरिए उनको जो भी इमदाद मिल सके। और जो लोग इस वक्त उन लोगों पे तनकीद कर रहे हैं कि जो लोग अपनी खुशी से उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि खुशी से देने वाले को खुदा भी उसकी अजीज रखता है, अजीज रखता है। तो अगर जो लोग खुशी से दे रहे हैं, पास्टर अनवर फजल दे रहा है, हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं, और उसके अलावा इमरान फजल दे रहा है उनको भी अप्रिशिएट करते हैं, उसके अलावा क्या मैं रिचल जॉन वाले जो भी हैं वो भी कर रहे हैं, उसके अलावा पास्टर शहजाद है वो भी कर रहे हैं, प्रेस टीवी वाले हैं, बरकत वाले जितने भी चैनल है, उसके अलावा हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं जितने भी सपोर्ट कर रहे हैं और जितने भी एक्टिविस्ट हैं जितने भी सपोर्ट कर रहे हैं, तमाम को हम लोग सलाम पेश करते हैं कि वो अपने
जो उनको खुदा ने दिया उसमें से लोगों में बांट रहे हैं और अपने लोगों की खिदमत कर रहे हैं, इस वक्त के अंदर उनको करनी चाहिए। और तमाम को हम सलाम पेश करते हैं मसीह कौम की तरफ से। मकबूल खोखर इस प्रोग्राम के अंदर, मसीह कौम की आवाज प्रोग्राम के अंदर तमाम लोग, जितने भी लोग हैं, पॉलिटिकल भी हैं और उसमें एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उसमें मजहबी रहनुमा भी हैं, तमाम को हम सलाम पेश करते हैं। और मजीद जिन इलाकों में नहीं पहुंचे वहां पे भी पहुंचे, वहां पे भी जाके उन लोगों की दाद रसाई करें। अब इनका वक्त खत्म हुआ है और फिर हम दूसरे प्रोग्राम के अंदर दूसरे मेहमानों के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। जीसस लाइव टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन पर सलामती हो।